जनपद संभल के थाना असमोली के गांव मादन में योगी के नारे लगाने पर भाजपा समर्थकों पर सपा समर्थकों ने पथराव और फायरिंग कर किशोर की हत्या कर दी। पथराव में एक महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गांव में तनाव देखते हुए भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। इस मामले में पुलिस दावा कर रही है कि मृतक नन्हे का भाई मोनू हत्यारोपी शिशुपाल की भांजी को अक्सर फोन करता था, जिसकी वजह से शिशुपाल और उसके परिवार को शक था कि मोनू और उसकी भांजी के बीच प्रेम संबंध है, जिसको लेकर शिशुपाल और उसके साथियों ने मोनू पर गोली चलाई, लेकिन गोली मोनू को न लगकर छोटे भाई नन्हे को लग गई, जिसकी मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई। पुलिस ने हत्या और बलवे का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से गांव में नन्हे का शव आने से पहले ही हत्या के मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गांव में नन्हे का शव आने से पहले ही हत्या के मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को हिरासत में ले लिया। जब ले ले तमन साहब भजी आए, जैसे गाड़ी आकर रुकी, उसमें लौंडे छोटे छोटे, उनने सोचा मोनू इसमें आ रहा है, जो लौंडा जा रहा साबुन लेना 100 का नोट लेकर। एकदम इन्हें खोली खिड़की, एकदम इन्हें गोली मार दी। हमारे दामाद रुके हुए है, वो जो इसे घर को उठा लाए, जो मैं जो अंदर से निकली तो ऊपर से पथराव हो रहा, मेरी जो टांग में वो लगी ईट, मैं नीचे बैठ गई, मैं गोली कहाँ लग गई, तेरा डंडा कहाँ लग गया, गोली का मुझे कोई पता ना। तो वो तो बोला अरे अम्मा मेरे गोली मारी है शिशुपाल की खिड़की में से, मेरे गोली मारी है शिशुपाल ने गोली मारी है मेरी खिड़की में से। उसे लेकर गए तो इन्ह गाड़ी न जान दी, इन्ह गाड़ी के छींचे मचा दिए, घंटा गोल कर दिया एक गाड़ी का। बड़ी मुश्किल में लड़के को लेकर गए अस्पताल में, जाकर बाबूजी पानी मांगा, पानी पिया। जिन लोगों ने गोली मारी वो कौन सी पार्टी के? सपा पार्टी। सपा पार्टी ये है तो जिला पंचायत जीते हुए, समाजवादी पार्टी। कौन सी पार्टी की? समाजवादी पार्टी। हम पढ़े लिखे हैं ना, आप कौन सी पार्टी को? भाजपा। अच्छा कहाँ से आए थे वो लोग जब जो उन्होंने गोली मारी थी? घड़ी है वो तो, वो कहीं से ना आए, वो तो घड़ी है। बस दारू पिवाई है ना तीन दिन से पूरी, तो दारू के पी मिनाने में 200 आदमी इसके संग। इससे मास्टर शिशुपाल से इसकी तितना हुई, इसने नारेबाजी लगाई, बीजेपी के योगी जी जिंदाबाद, उसे चक्कर में उनके सामने टाइम उन्होंने पकड़ करके इसको गोली मारी। तो इनकी मौत मौके पर हो गई थी? नहीं, हॉस्पिटल ला करके। वजह यही है राजनीति के अंदर चरणपन, पंचायत सदस्य है ये, उसके हमारी यहाँ से विधायक है जितनी वोटिंग की है वो इनके हाथ में, सब मिला जुला में। अच्छा तो कितने लोग खिलाफ तहरीर आप लोगों ने? 5 को खिलाफ दी। पुलिस ने गिरफ्तार किया किसी को? ये राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कहा जा सकता, ये तो एक आम पड़ोसी हैं और उनमें किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने पे एक आदमी को गोली मार दी है, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होगी। वो राजनीतिक मामला नहीं है, उसकी जो अभियुक्त है उसके भांजी को तंग करने का मामला था फोन पे। जो मरा है इसका भाई, उसको मिस कॉल या कॉल करता था, उसी बात को विवाद हुआ, उसके झगड़ा हुआ, उसी पे वो मर्डर हुआ। राजनीतिक नन्हे के मर्डर में FIR हुआ है? हाँ, FIR होगी है, जो 6 लोगों को नामजद किया है, FIR होगी है, और उसमें 2 लोग हमने एक में लिए हैं, उनसे बातचीत की है। नहीं, पार्टी बेसिस पे झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा जो उनकी बताई मैंने बात की, लड़की को तंग करता था उस बात को लेकर हुआ। पार्टी बेसिस पे इस पर ना कोई नारेबाजी हुई, ना कोई उसका इशू है। पड़ोसी हैं, बिल्कुल बराबर में रहते हैं, एक ही जाति के लोग हैं और आपस में वही रहन सहन होता है। शिशुपाल है और शिशुपाल के भाई हैं, दूसरे का नाम है मोनू। सर शिशुपाल जिला पंचायत सदस्य, इसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य।